साल 2021 और 2022 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कहे जा रहे हैं कि साल 2024 में जीत की सीढ़ी के तौर पर काम करेंगे। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा टारगेट हर वर्ग को लुभाना होगा, फिर चाहे उसमें जनरल हो, SC ST हो या फिर OBC भी हो। ताकि माइनॉरिटी को लेकर बीजेपी पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं, और क्या वाकई माइनॉरिटी वोट में सेंध लगा पाना 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए वाकई आसान होगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हाजी समा जमाल सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। जमाल साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जी, आपने समय दिया क्योंकि आप लगातार अलग अलग स्टेट के दौरे पर हैं, हम काफी समय से आपको देख रहे हैं, आपने समय दिया हमारे ग्रुप को, इसके लिए आपका भी धन्यवाद सर। आपने कहा है जमाल साहब कि बीजेपी ही अल्पसंख्यकों के जीवन में बदलाव ला सकती है, हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है बीजेपी पर कि वो अल्पसंख्यकों को खास तौर पर मुस्लिम के लिए उतने काम नहीं कर पा रही या नहीं कर रही जितने उन्हें करने चाहिए थे। 2 टर्म लगातार आप लोग सत्ता में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज अब अजमा रहा है। अभी जी तक तो उसने कांग्रेस को अजमाया, कांग्रेस के साथ काम किया, समाजवादी को अजमाया, समाजवादी के साथ काम किया, बहुजन समाज को अपनाया, राष्ट्रवादी कांग्रेस, यानी सारी पार्टियों के साथ जाकर मुसलमान देख चुका है। और आज हालत क्या है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर कोई है, दलित शोषित अगर हो गया है कोई समाज, तो अल्पसंख्यक समाज, विशेष रूप से मुस्लिम समाज। और हमारी पार्टी भी, मैं इसलिए कह सकता हूं कि हमारी पार्टी उनका उत्थान करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी जिस विचारधारा पर काम कर रही है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचारधारा है, अंत्योदय, जो समाज का अंतिम आदमी, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो दबा कुचला है, उसके लिए काम किया जाए। तो मुझे यकीन है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ आ रहा है, तो इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विकास हो रहा है। और आप जो योजनाएं लागू हुई हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो अभी हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे IAS PCS बन रहे हैं। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जो कोचिंग क्लास दिया है जी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए, उसमें हमारे बच्चे IAS PCS बन रहे हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। अभी तक जो हम पढ़ते थे हमारे किसी काम में आता नहीं था। तो ये जो काम शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो सबका साथ सबका विश्वास का नारा है, इसको सिर्फ नारा तक नहीं रखा है। कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन सिर्फ नारा तक रहा, कोई गरीबी हटाने में मदद नहीं मिली। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, उस नारे को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक जा रहे हैं, उस नारे को लागू करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी बदलाव आ रहा है। जी जमाल साहब, कई स्टेट में चुनाव है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव है। हालांकि योगी सरकार के कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा सवाल नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास भी कोई बड़े मुद्दे नहीं थे सरकार को घेरने के लिए। आपने अपनी तैयारी की है, कहा जा रहा है कि आपने हर विधानसभा सीट पर बीजेपी को कम से कम 5,000 मुस्लिम वोट दिलाने का टारगेट रखा है। सर, क्या है USP और कैसे मुसलमानों का भरोसा आप विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ लेकर आएंगे? क्योंकि विधानसभा चुनावों में मुस्लिम्स की टिकट का क्या हाल रहता है, आपसे बेहतर तो शायद ही कोई समझ सके। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव के लिए काम नहीं करती है। हाँ, चुनाव एक पड़ाव जी जरूर होता है। हम समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं, हम समाज में चेतना लाने के लिए काम करते हैं, हम समाज को आगे ले जाने के लिए, सबको साथ ले जाकर एक विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करते हैं। और चुनाव इसलिए जो है हम उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सत्ता एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ होने से सेवा और अच्छे तरीके से हो सकता है। हमारे लिए सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, तो जब चुनाव आ रहा है तो उसमें हम राजनीतिक पार्टी है, चुनाव में जाएंगे, और जब चुनाव में जाएंगे तो उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो तैयारी की, उत्तर प्रदेश में जो हमारे अध्यक्ष है वहां पर कुंवर बासित जी, उनसे मैंने चर्चा की है,
इस बार जो वोट हमारे बढ़ते थे, जो हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, हमें वोट बैंक के रूप में हमारे उपयोग करके हमें छोड़ दिया जाता था, हम उस वोट बैंक को खत्म करने वाले हैं। हम लोगों के सामने माननीय योगी जी की सरकार की नीतियां लेकर जा रहे हैं, हम लोगों के सामने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको लेकर जा रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, अगर गुंडा राज था तो उसमें सब परेशान थे, और मेरा ऐसा मानना है कि गुंडा राज में सबसे ज्यादा परेशान तो अल्पसंख्यक समाज था। अगर वहां पर योजनाएं लागू की गई हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोरोना काल में देखेंगे तो अगर योजनाएं लागू की माननीय योगी जी के नेतृत्व में तो उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों को फायदा हुआ है। अभी हाल में देखेंगे कि वहां हज कमेटी बनाकर दी गई, वहां मदरसा बोर्ड बनाकर दिया गया, वक्फ बोर्ड की घोषणा की गई, यानी कहीं भी अल्पसंख्यक समाज को दूर नहीं रखा जा रहा है। सबको साथ लेकर जो नारा दिया है मोदी जी ने, सबको साथ लेकर योगी जी चल रहे काम करे, इसलिए मुझे लगता है कि लोगों में बहुत उत्साह है। और जो लोग अभी तक वोट बैंक के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते थे, मुसलमानों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के लिए नफरत डालते थे, जो जहर घोलने का काम करते थे, वो भी अभी नाकाम होते दिख रहे। क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, जिस प्रकार से योगी जी ने काम किया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा लोग बीच में जाकर संवाद कर रहा है, लगातार लोगों से संपर्क कर रहा है, और अब लोगों ने देख लिया है। पहले लोग योगी जी के नाम से डराते थे, 5 सालों में योगी जी की सत्ता को भी लोगों ने देख लिया है। पहले मोदी जी के नाम से डराते थे, लोगों ने 7 साल मोदी जी की सरकार को भी देख लिया है कि किस प्रकार से देश नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। अगर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है तो मुसलमान का भी तो नाम ऊंचा हो रहा है, देश का नाम ऊंचा हो रहा है तो मुसलमान का भी तो नाम ऊंचा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है, और इस बार जो चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, ये चुनाव में मुसलमान बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताएगा। सर चुनाव में तो आप लोग हिस्सा लेंगे, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, क्या टिकट की भी कोई बात हुई है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी कितने मुसलमानों को टिकट देगी? पिछली बार किसी को टिकट नहीं दी गई थी। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी डिफरेंस जो कही जाती है उसमें एक विशेषता ये भी है कि हम इंसान को इंसान मानते हैं, हम किसी को हिंदू मुसलमान नहीं मानते हैं, यकीन मानिए आप, और ये मानना भी चाहिए। क्योंकि धर्म हमारी जो है ना, धर्म हमारी एक पूजा पद्धति है, और धर्म हमारे घर के अंदर होती है। हम जब बाहर निकलते हैं घरों से तो हम हिंदुस्तानी होते हैं। हर हिंदुस्तानी को मौका मिलेगा जो चुनाव में जीतना चाहता है, जो समाज सेवा किया है 5 साल, जिसके फेवर में जनता अपना मत देगी। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं सिफारिश से टिकट नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी में किसी के लिए कोई कोटा फिक्स नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ओपन टू ऑल है, सबका स्वागत है, आए अपनी दावेदारी करें, हम जनता के बीच में उनके लिए सर्वे करेंगे, जिसका नाम आएगा उसको टिकट मिलेगा। और कहीं भी मैं आपको बताऊं, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को टिकट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए, हमने पश्चिम बंगाल में 9 लोगों को टिकट दिया था, आप असम में चुनाव हुआ देखिए, वहां पर 8 लोगों को टिकट दिया था, केरल में 12 अल्पसंख्यक लोगों को टिकट मिला था, तमिलनाडु में 2 अल्पसंख्यक लोगों को टिकट मिला था। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, पिछली बार जब चुनाव हुआ 2019 में तो यहाँ 4 अल्पसंख्यक लोगों को टिकट मिला था। हम हर जगह टिकट देने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टिकट चाहिए तो ज्यादा लोग दावा करें, आए हमारे साथ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ कार्य है, आपने कहा भी है, हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो माइनोरिटीज की आड़ है ना कहीं सरकार खुला बोलती है, वो कहती है कि सीए हो, आरसी हो, 3 तलाक, तमाम जो मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग है उसका नुकसान हुआ है। तो ऐसे में आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या ये सवाल मुस्लिम लोग आपसे उठाते हैं? चूंकि आप मुस्लिम भी हैं तो आप उनकी बात को आसानी से समझ भी पाते होंगे, क्या आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है जब आप फील्ड में जाते हैं? ये बात तो सही है कि विरोधकों ने बहुत जहर घोला है, और उस जहर को धीरे धीरे हम साफ करें। ये सबसे बड़ा मुद्दा आसाम में था, आसाम में सीए लागू भी था, लेकिन वहां हम जीते, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वोट दिया, हेमंत शर्मा जी के कंस्टिट्यूएंसी में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई रहते हैं, उन्होंने भी हेमंत शर्मा जी को वोट देकर जिताया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भगोड़े हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो यहाँ पर हमारी धरती पर कब्जा करके हमारे रोजगार को छीन लिए हैं, वो तो यहाँ जाना चाहिए। लेकिन वो मुसलमान
जो असमिया मुसलमान है, जो असम के हैं, जो इसी धरती के हैं, जिनके पूर्वज यहीं के हैं, उनको तो कोई हटाएगा नहीं, वो सारे समय में वही रह गए। वैसे ही देश में अगर कोई घुसपैठ करता है, जो भारत माता को खोखला करने की नीयत से यहाँ पर आता है, उसको तो चिन्हित करके बाहर करने चाहिए। ऐसा माहौल बनाया गया, मुसलमान यकीन मानिए, मैंने सबसे देश भर में मैं घूम रहा हूँ, मैं 22 राज्यों में जाकर आया हूँ, और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, सभी से चर्चा होती है मेरी, सबसे बैठकें होती है, मुलाकात होती है, एक भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का हिंदू यहाँ नहीं आना चाहिए, इसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। मुसलमान के दिमाग में ये डाला गया था कि यहाँ से मुसलमान भेजे जाएंगे, वहां से हिंदू लाए जाएंगे। मुसलमानों को गुमराह कर दिया कि तुम्हारा नागरिकता खतरे में है, तुमको भारत से भेज दिया जाएगा। वो मुसलमान जो बंटवारे के इतिहास नहीं गया, वो आपके क्यों जाएगा, ऐसा दिमाग में डाल दिया गया। तो डर गया, डर गया तो आंदोलित हो गया। हर बात में बड़ी चालाकी के साथ मुसलमानों से विरोध कराया जाता है, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो समान नागरिक कानून का मामला हो, हर मामले में लव जिहाद का मामला हो, ऐसा लगता है कि मुसलमानों का व्यापार लव जिहाद है, ऐसे मुसलमान का विरोध करने के लिए खड़ा किया गया है। लेकिन मैं अपने भाइयों से हमेशा ये कहता हूँ कि आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर हम अल्पसंख्यक जरूर है, लेकिन वो जो बहुसंख्यक हिंदू भाई है हमारा, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है, वो हमें धक्का तक लगने नहीं देगा। आप देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ, मौलाना आजाद साहब ने जब ये नारा दिया, जी जो भ्रम थे वो आप लोगों ने दूर कर दिए हैं, मतलब अगर चुनाव होंगे तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, जो डाउट से मुस्लिम लोगों के बीच में, भ्रम दूर हो गया है, अब लोगों को सच दिख रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक है प्यू रिसर्च, इस रिपोर्ट को दुनिया लगभग मानती है। ये रिपोर्ट कहती है, 2019 की हालांकि रिपोर्ट है, ये कहती है कि 40 साल बाद मुस्लिमों का नंबर वन देश बन जाएगा भारत। क्या वाकई हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की आबादी तेजी से बढ़ रही है, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान नंबर वन था, नंबर वन है, नंबर वन है इंशाल्लाह। और उस वक्त जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे, उन्होंने कहा था कि पूरब से मीठी मीठी खुशबू आती है, उस वक्त भी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की तारीफ की थी। तो ये हिंदुस्तान तो बहुत अजीम मुल्क है, और इंशाल्लाह ये दुनिया में नंबर वन था, नंबर वन है, नंबर वन रहेगा, और जो भी कुछ कमी नंबर वन होने में रह गई होगी, वो इंशाल्लाह मोदी जी के नेतृत्व में जरूर पूरा होगा। जी, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं वीएचपी सर, वो ये कहते हैं इस रिपोर्ट के बाद कि हिंदुओं को भी अब अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि आप लोग भी तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दूरियां हद से बड़ी जी, तो गलतफहमियां बढ़ती गई। दूरियां जब हद से बड़ी तो गलतफहमियां बढ़ती गई, उन्होंने वो भी सुना जो हमने कभी कहा ही नहीं। तो जो ये दूरियां हैं समाजों में, संवाद की जो कमी है, मुझे लगता है इसको बैठकर कम करनी चाहिए। एक आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत, दुनिया के किसी भी हिस्से में, फिर चाहे अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो। अफगानिस्तान ने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया है। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीख दी थी, जिस प्रकार से मुसलमान पर लोग भरोसा करते थे, इस्लाम पर नाज करते थे, उसको चकनाचूर करने का काम पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने किया है। और रहा सवाल जो है भारत को हिंदू राष्ट्र का, तो सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो सभी धर्मों को मानने वालों का मुल्क है, हिंदू हमारी संस्कृति है और हमें इस संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। आज हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जमाल सिद्दीकी नमाज अदा करके ईश्वर को खुश करते हैं, मुकेश जी पूजा करके ईश्वर को खुश करते हैं, लेकिन जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी बोली भाषा है, जो हमारी विचारधारा है, वो तो एक ही है ना, वही संस्कृति है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से लोगों में भय पैदा करने के लिए जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं, वो लोग अब कामयाब नहीं होने वाले। लेकिन क्या जमाल सिद्दीकी चाहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, आप भाई हमारी संस्कृति को हिंदू हम मानते हैं, हमारा धर्म इस्लाम है, तो इसको जो है इस वर्ड को डराने के लिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान को भगा दिया जाएगा, क्रिश्चियन को जो है भगा दिया जाएगा, चर्चें तोड़ दी जाएंगी,
ये लोग तो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अगर किसी की भावना ये है कि हम यहाँ पर सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, और अगर हमारी संस्कृति हिंदू है, हिंदू क्या है? हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, धर्म तो आर्यन है, आर्य धर्म है। तो इसको समझाने के बजाय इसका लोग गलत इस्तेमाल जो करते हैं, मुझे लगता है इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा एक मुहिम चलाएगा कि हम इसको हिंदुस्तान कहें, हम इसको भारत कहें, हम इसको इंडिया कहें, है तो हमारी भारत माता। हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो सुन्नी, शिया, बोहरा, अहमदिया, अलग अलग मतलब वर्ग में बटे हुए हैं। और जिस तरह से पूरी दुनिया में फिलहाल इस्लाम के प्रति डर और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, क्या उससे आपको लगता है कि भारत में भी राष्ट्रवाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, और जो कुछ ताकतें हैं जो इस्लाम को तोड़ना चाहती हैं, जो इस्लाम को बदनाम करना चाहती हैं। कुछ ताकतें हैं, इन ताकतों से हमें लेकिन सावधान कुछ रखने का। मुस्लिम लोग भी सर इस पर बयान देते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे सुरक्षित मुल्क अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, और जो लोग कहते हैं हम सुरक्षित नहीं है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम स्पॉन्सर करेंगे, एक बार जाकर अफगानिस्तान लेके आ जाएं। जी, झारखंड की विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा अलॉट किया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो लड़ाने की राजनीति है। मुझे शर्म आती है कि जी लोग इतने निचले स्तर पर जा सकते हैं। नमाज के लिए किसी अलग कमरे की आवश्यकता नहीं है। आप अगर नमाजी हैं तो आप नमाज कहीं भी अदा कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि विधानसभा हॉल के कोने में भी आप बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज अदा करने के लिए खड़े होकर भी नमाज अदा कर सकते हैं, बैठ के भी अदा कर सकते हैं, और नमाज बाद में भी अदा कर सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से लड़ाया जा रहा है, उनको मालूम था कि अब जाहिर सी बात है, घर में चार बेटे हैं, अगर एक बेटे के लिए आप कुछ लेकर आएंगे तो तीन तो नाराज होंगे ना। तो ये जो दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे मुसलमानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये जो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसी राजनीति ना करें जिससे समाज में तनाव पैदा हो। तनाव बरगलाया जा रहा है। कानपुर के विधायक है इरफान सोलंकी, उन्होंने भी मांग किया उत्तर प्रदेश विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। मांग करने का अधिकार सबको है, और अच्छी बात है कि उन्होंने मांग की है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को नमाज अदा करना चाहिए, लोगों को पूजा करना चाहिए, लोगों को धार्मिक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है लोगों में धर्म हो, क्योंकि धर्म होगी, आस्था होगी तो लोग गलत काम नहीं करेंगे। जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, बताने के लिए क्या टारगेट्स हैं, कैसे भाजपा के लिए आप लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से अल्पसंख्यक वोटरों को फिर से बीजेपी की तरफ मोल्ड करने के लिए जमाल सिद्दीकी दिन रात एक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए, अपना समय देने। धन्यवाद।